Good morning. Today we are going to learn a new topic from the English subject. Okay. What is the heading given? In, on, under. Means English में कुछ ऐसे words होते हैं जो sentence में use होते हैं. Like you can see the picture. यहाँ पे क्या है? Cat box के अंदर बैठी है. यहाँ पे क्या difference है? देखो, table के ऊपर cat है और यहाँ पे टेबल के नीचे कैट है. तो जब हम इंग्लिश में इसको सेंटेंस फॉर्मेशन में बताना चाहेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, तो हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं. अंडरस्टूड? तो इसको कैसे लिखना है, देखो, बॉक्स के अंदर, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इन. कैसे लिखेंगे? द कैट is, क्या आएगा? इन आएगा. क्या आएगा? इन. इन मतलब inside the box. In the box. समझ में आया? अब जब cat table के ऊपर है तो हम कौन सा word का use करेंगे? On. कैसे लिखेंगे इसे? द कैट इज. इतना तो सेम रहेगा, दोनों तीनों सिचुएशन में कैट ही है, लेकिन उसके पोजीशन डिफरेंट है. तो द कैट इज ऑन, ओ एन, ऑन द टेबल. अंडरस्टूड? लास्ट में देखो, यहाँ पे डिफरेंट है पोजीशन कैट का. यहाँ ऊपर थी कैट, अभी टेबल के नीचे है. तो नीचे वाले शब्द के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज किया गया है? अंडर. अंडर मीन्स किसी के नीचे. इसका कैसे यूज होगा सेंटेंस मेकिंग में? द कैट इज under, U N D E R, under the table, the table, this way. Okay, I hope आपको तीनों में ये differences clearly समझ आ गए होंगे. So this way you have to write in your book also. Take care.